अपना यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे किचन में आ रही है एक न्यू गेस्ट जो अभी 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 हमारी फैमिली का हिस्सा बनी है, और आप सबको पता ही होगा कि मैंने उनसे उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था लाजी दामना की वीडियो में कि मैं यहाँ पे बहुत जल्द आऊंगी और आपके साथ कुकिंग करूंगी और कोई मजे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वो आ रही है, आज सबके दिलों में राज कर रही है आजकल बहुत ज्यादा, समीना उर्फ सैम भाभी। आज अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से आप कौन सी ऐसी मजे की डिश बनाएंगी? तो फर्स्ट टाइम जब आप लोग हमारे घर पे आए थे तो मैंने ये स्वीट डिलाइट बनाई थी जो अम्मी को, मुन्ना भाभी को, सबको बहुत अच्छी, आपको भी और बिलाल को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले यही रेसिपी, बहू सबसे पहले मीठे से शुरू करती है तो मीठे से शुरू करते हैं। तो चले अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए जो जो चीजें आपने, तो स्वीट डिलाइट बनाने के लिए हमने जो चीजें ली हैं उसमें सबसे पहले है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, इसकी जगह आप आइसक्रीम पाउडर भी ले सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर के हमने लिए हैं 4 टेबलस्पून भर के। उसके बाद यहाँ पे चीनी जो है हमारे पास है 8 टेबलस्पून, और ये हमने ले लिया है यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल। उसके अलावा 1/2 कप हमने यहाँ पे ली है चिल्ड क्रीम, चिल्ड हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिस्ताज हैं और उसके बाद ये बादाम है। तो मिल्क हमें चाहिए होगा 1 लीटर। तो सबसे पहले जो ये हमारे पास पाउडर है उसको हम दूध में मिक्स कर लेंगे और डालो। हाँ जी, टू आप डालें तो जब मैंने तब बनाया था उसमें मैंने ना आइसक्रीम पाउडर डाला था, तो ये आपकी मर्जी है आप उसके अंदर आइसक्रीम पाउडर डाल दो या कस्टर्ड डाल दो, ऐसे ही है क्योंकि बच्चों को कई बार आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा लगता है, कस्टर्ड भी वैसे पसंद होता है लेकिन वो भी अच्छा लगता है, वो भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी जो गुठलियाँ आए या इसके अंदर जो प्लम्स हैं वो ना रहे। और दूसरी तरफ टाइम बचाने के लिए हम दूध को भी सबसे पहले है, उसको पहले बॉयल करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसके अंदर 1 लीटर दूध डालते हैं। दूध ऐड कर दिया और अब इसके बाद दूध में हल्का सा बॉयल आएगा, फिर चीनी ऐड कर देंगे ना, सेम उसी तरह ना जैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने हाथ की भी लज्जत होती है ना इंसान की, किसी किसी का टेस्ट होता है, हर किसी का अपना 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 टेस्ट होता है, सही है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए सैम भाभी के जो हाथ का टेस्ट है उसके उनके टेस्ट से मीठा कैसे बनता है। ये है आप लोग ये समझ रहे होंगे कि फ्रूट ट्राइफल जैसा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। क्योंकि इसमें हमने जो लास्ट में वो आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक डिफरेंट है, थोड़ी सी हट की रेसिपी है। अच्छा अच्छा, चीजें वही है जो घर में होती है लेकिन ये है कि और आज ऐसा है कि हमने सेम ड्रेसिंग की हुई है। हाँ जी, हमने सेम ड्रेसिंग की हुई है, कलर डिफरेंट है लेकिन हाँ जी स्टाइल डिजाइन सेम है। सेम है, मिक्स हो गया। तो ये मिक्स हो चुका हुआ है, बस हल्का सा दूध में बॉईल आता है ना फिर चीनी ऐड करते हैं। हाँ जी, और बताएं आपको कि जो नामला के सेट पे आके कैसे लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आपकी हिम्मत है कि आप इतनी गर्मी में इतना काम करती हैं। तो दो दो एसी ऑन किए फिर भी पसीने छूट रहे हैं, फिर भी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है, सबको आके बहुत अच्छा लगता है। और सब फिर मेरे किचन में, मतलब जब किचन में जाना है कि सेट पे कोई भी आता है ना फिर वो मुझे बताता है कि उनको मेरे चैनल में ऐसी कौन सी रेसिपी जो बहुत पसंद है, आपने देखी हुई है कि नहीं देखी? हाँ जी, मैंने देखी हुई है। अच्छा ठीक है। जो एक बहुत मेहनत वाली रेसिपी है, मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है लेकिन क्योंकि मैंने पहले चैनल्स देखे हैं, मैं रैंडमली बता रही हूँ कि वो जो एक था ना आपका रेनबो केक जिसमें आपने इतनी कलर्स इकट्ठे किए थे और कलर वाले आपने स्पॉन्ज को वो बार बार लेयर लगा के, तो वो इतनी एक डिफरेंट चीज थी कि आई थिंक अब्रॉड में जो शेफ्स हैं उन्होंने वो बनाया हुआ था और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पहली आप थी जिन्होंने इतनी मेहनत की थी कलरफुल उसको करके तो बनाया था। चलिए बातों में चीनी ऐड कर देते हैं। हाँ जी, इसके लिए ये हमारे पास पैकेट है, चीनी से मिक्स करते हैं। जैसे चीनी हल होती है ना उसमें हम कस्टर्ड डाल देते हैं, साथ ही हो जाएगा 1 चम्मच का जी 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 1 तीर से 2 शिकार। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। चीनी के भी दाने हैं मोटे मोटे से नजर आ रहे हैं। अच्छा, रेनबो केक आपको पसंद था? बहुत अच्छा था वो। अच्छा, वो ऐसे कि वो मुझे मैम ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम ये रेसिपी बनाओ, बहुत अच्छा था वो।
मैं 2 साल से रो रहा था बनाने को। यार दो साल से रो रहा था, लेकिन ये है ना कि जिससे शादी होने वाली है उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी बात माननी, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। हां जी ऐसा ही है, ये मैं रिलेट कर सकती हूं इसको। ऐसे लेकिन आप तो अभी तो मेरे कुछ ही हुए हैं, लेकिन कुछ ही हुए हैं ना, क्योंकि चलो चलिए ऐसा है कि चीनी हल हो चुकी है, अब आप क्या करेंगी इसमें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं मिक्स करती हूँ, आप डालो। थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालो। अच्छा थिक चाहिए कि ज्यादा थिक ना हो? नॉर्मली बिल्कुल, ज्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। थिक नहीं करना तो ठीक। और अगर आप इसमें आइसक्रीम पाउडर डालेंगे ना तो जरूर ट्राई करिएगा, वो बहुत मजे का बनेगा वो भी, बट ये भी बहुत मजे का बनेगा। चलिए सुन लें, अगर आपने घर में ट्राई करना है, वैसे ये है कि आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए है, तो आप इसे मिक्स कर लें। चलिए अभी हो गया ना, तो अब ऐसा है कि हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमें ज्यादा बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए। हाँ जी चलो ठीक है, तो अब हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए, ठंडा होने के लिए, और उसके बाद जो हमने इसमें जो भी चीजें ऐड करनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही है कि अगर आप गर्म गर्म में डालोगे ना तो क्रीम भी जो होगी वो फट जाएगी और जो फ्रूट कॉकटेल है ना वो भी खराब हो जाएगा, भी कुछ हो जाएगा। उसको भी धचका लग जाएगा कि ये मुझे गर्म गर्म कर दी है, ऐसे ही है। तो चले जी ये हो गया, अब इसको इधर रख देते हैं, ये टेम्परेचर पे आ जाए अच्छे से, और फिर हम उसके बाद बाकी का जो करना है ना वो करेंगे। और उससे पहले हम बातें वगैरह करते हैं जी। और बताएं सैम, अभी चाय पियेंगी? चाय बिल्कुल आई हुई है। चलो ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप चाय पियेंगी, क्योंकि मेहमान आए हैं आप हमारे घर में, तो मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चले जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैंने सुना आप बहुत इंजॉय करके चाय पीते हैं। थैंक यू सो मच, तो ये आपका प्यार है आप मेरे लिए, आप भी ले हैं कुछ? नहीं मैं चाय ज्यादा नहीं पीती, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट में लेती हूँ चाय, मतलब इवनिंग में वगैरह मैं नहीं लेती। हाँ जी, तो अब हम चाय पीते हैं, चाय इंजॉय करें, ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा धुएं निकल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और आप कौन सी मतलब डिश वगैरह बहुत ज्यादा आपको पसंद हो, जो आप खुद अपने आप की बात कर रहे हो, आप ट्राई करती हो घर में और सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है? स्टीम रोस्ट जो है। अच्छा, स्टीम रोस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और बनाने में भी। और उसके बाद मुझे पुलाव। अच्छा, और जर्मनी में एक और चीज थी, तो जर्मनी में ऐसा होता है क्योंकि टाइम कम होता है, फिर काम भी होता है, स्टडीज भी साथ में, तो मैं चिकन को टमाटर प्याज सब कुछ डाल कर तवा कीमा तवे जैसे ना, अच्छा, तो सब कुछ इकट्ठा और जल्दी से बन जाने वाला, कटाकट वाला, एग्जैक्टली वो अच्छा लगता है मुझे। आप खुद बनाती हूँ? हाँ जी हाँ जी, टेस्टी बनता होगा बहुत मजे। अच्छा, रोटी बनानी आती है? रोटी जी, मुझे रोटी बनानी आती है। उसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी एक इंडिया की फ्रेंड थी, तो वो छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं ना इंडिया में, वो छोटी छोटी खाती हैं, तो आप लोग जो देख रहे होंगे इंडिया से उनको पता होगा कितनी सी होती हैं। हाँ, उनकी छोटी छोटी सी होती है, तो उनके अक्सर गेस्ट आया करते थे, तो वो ना 20-22 रोटियाँ बनाते थे वो लोग, तो मैं साथ में उनकी हेल्प करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो अकेली बनाती थी, तो उनके साथ बना बना के मुझे फिर एक्सपीरियंस होता है ना कि किसी को देख देख के आप सीख लेते हो, तो ऐसे ही है। चलो रोटी बनाने तो आती है, बिलाल रोटी बहुत शौक से खाता है, उसको अच्छी रोटी पसंद है खाना। चलिए ऐसे कि आप हम आप ब्रेक पे जाते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, सैम भाभी चाय पीते हैं आराम से फोन से, उसके बाद उतनी देर ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में हम रेसिपी की तरफ फिर आ जाएगी, तो चले चलते हैं। तो चलिए ब्रेक खत्म हो चुकी है, तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी, और हमारा कस्टर्ड जो है ना वो भी ठंडा हो चुका है, तो अब आप बताएं आगे आपने क्या करना है इसमें। इसमें आप क्या होगा कि इसको हम इसमें क्रीम में मिक्स कर लेंगे जी, क्रीम मिक्स क्रीम में मिक्स करने डालो। हाँ जी डालो। चलिए इसमें हम क्रीम मिक्स करें, अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही आपने क्रीम मिक्स करनी है, ऐसे है ना। इसमें आप बच्चों के लिए ना चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, जेलीज वगैरह, जेलीज ऐड कर लें, कुछ भी कर लें। उसके बाद हमारे पास बादाम है, पिस्ते हैं, और कॉकटेल है, कॉकटेल है, तो क्रीम अच्छी तरह से होगी जी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल। हाँ जी। अच्छा, तो अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो आप इसके अंदर एप्पल डाल सकते हैं, बनाना सॉफ्ट हो जाते हैं, उससे ना फिर ये है कि हमने इसको करना है थोड़ी देर बाद फ्रीज। हाँ, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं जी, पाइनएप्पल डाल लें, ऐसे फ्रूट डालें जो कि ना थोड़े वो रहें, सख्त रहें।
खराब ना हो, खराब ना हो, मैश ना हो जाए बिल्कुल ही, केले वगैरह की वजह से। अच्छा अक्सर लोग होते हैं वो कुकल पसंद नहीं करते जी, ज्यादातर लोग मैंने ये देखा होगा कि वो पसंद नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं थोड़े से बादाम हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, आप करें ऐड थोड़े से और बाकी ऊपर गार्निश के लिए रख देंगे। हाँ जी, क्योंकि ये जब आएंगे ना मुँह में आएंगे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ ऐसा ही। अच्छा जब मैंने इनके घर में खाया था ना ये वाली डिश, ये वाली स्वीट डिश खाई थी ना, तो उसमें ना बादाम वो हो किस टाइम पे कटे हुए थे, तो उसी टाइम मुझे समझ आ गई थी वो गिरे के थे, अजीब सा फील होता था, वाओ मुंह से निकलता था वाओ, बहुत मजे के थे। अच्छा तो बताए वो कहाँ से आए थे? ऐसा है कि जब मैं पाकिस्तान आने से पहले ना वो उनकी शेप ऐसी कटी होती है, वो जर्मनी से मैंने लिए थे पैकेट, जर्मनी से जो लोग भी देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि वहाँ से बादाम बहुत तरह के कटे हुए मिलते हैं, मतलब जैसे ये है ना इसी तरह के ना कटे हुए मिलते हैं, तो मैंने वो ऐड किए थे क्योंकि फिर वो मेहनत नहीं करनी, लेकिन आम ना आपने पहचाना था कि ये जो है ना ये कुछ अलग ही चीज़ है। हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी थे। हाँ उसका टेस्ट ही अलग से था। हाँ जी चले, अब ऐसा है कि हम सर्विंग डिश में इसको डालते हैं, मतलब जो है, और इसको फिर हम फ्रिज में फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद। चले तो हमने इसको डिश आउट कर दिया और अब हम इसको गार्निश करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये जो इसकी अलग से ही इसका टेक्सचर आ रहा है वो ये इस वजह से कि क्रीमी क्रीमी सा बना है, इसको जब हम फ्रीज करेंगे ना तो ये थोड़ा सा आइसक्रीम की तरह का लगेगा बच्चों को, ठंडा ठंडा सा। और एक बात नोट किया कि जो फ्रूट्स हमने इसमें ऐड किए ना वो नीचे से बैठ नहीं गए, वो नजर आ गए। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये ना, अनमोल को जैसे बहुत अच्छा लगा था। तो चले बच्चे वैसे भी अच्छी चीज खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो चले अब ऐसा है कि आप इसको हम रख देंगे फ्रिज में एक घंटे के लिए। हाँ जी। और एक घंटे के बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे, सबसे पहले कौन करेगा टेस्ट? हाँ। जी कौन करेंगे? चले आप उसे फ्रिज में रख दें जी, चलिए हम दोनों मिलकर रखते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है और अब हम टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। हाँ जी। तो चलिए निकालते हैं। तो अब मैं आमना आपी को टेस्ट करवाती हूँ, तो ये जरा ये देखें इसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी सा है, इसको ऐसे करके थोड़े से। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम बनाया है समीना भाभी ने मीठा, और टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि आप पहले टेस्ट। नहीं मैं आपको मजे का, बहुत ही मजे का है, बहुत ज्यादा टेस्टी और मीठा भी परफेक्ट है। तो यकीनन आपको भी ये रेसिपी जो है ना बहुत पसंद आएगी, है ना, ऐसे ही ना बच्चों को बना के दें, अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद सर्व करें और बच्चे इंजॉय करेंगे। वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली है बच्चों की, तो बच्चे खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। बल्कि बच्चों के साथ मिल मिल के आप बनाएं, ऐसे बेटा आओ हमारे साथ हेल्प करो, ऐसे है ना। हाँ, इन्वॉल्व रखा करें बच्चों को ताकि वो फोन लैपटॉप वगैरह टैब से बिल्कुल दूर रहें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और बहुत मजा आया, आप मेरे सेक्टर हैं, आपने अपना जो प्रॉमिस था ना वो पूरा किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत बिजी हैं इन्होंने, अब जाना भी है और इंशाल्लाह फिर जब आएंगी। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि हम साथ अभी नहीं रह रहे, बट शी इज सो काइंड, इतनी अच्छी है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आपके साइड पे आके बना रही हूँ, आपने इतनी मेरी हेल्प की और मुझे बिल्कुल वो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है ना जैसे, बोल दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप अच्छे हो तो आपको खुद सब अच्छे लगते हैं, कहते हैं ना कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, अगर आपके साथ वो अच्छे पेश आ रहा है तो आपको अच्छा अच्छा फील होगा। हाँ, तो आप खुद अच्छे हो गए ना, इसलिए आपको हर चीज अच्छी लगेगी, ऐसे ही है। तो बहुत मजा आया, लेकिन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इंजॉय करेंगे। तो अब ऐसा है कि सैम भाभी आप निकाह के बाद आएंगे ना, इंशाल्लाह शादी के बाद भी आप बिलाल के साथ आएंगी इस सेट पे और कुकिंग करेंगे दोनों मिलके मेरे साथ, ठीक है? प्रॉमिस? जी जी जरूर। चलिए ठीक है, तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को होता है एंड। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाइफ विद अमना चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।